हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू चैनल विद्या क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज स्वाधीन गुप्ता। और लास्ट टाइम हम लोग ने आप लोगों को डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर और पॉलीमर्स के प्लास्टिक के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज वगैरह कराई थी, वो आप लोगों ने देखी होगी और अपनी नोट डाउन किया होगा। उससे आप लोगों को क्या है कि बेनिफिट मिलेंगे और हम लोग आने वाले क्लासेस में कुछ एमसीक्यूस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जो है आगे के लिए जो है सेटअप हो जाएगा। और आप लोग जो है कहीं भी कंपटीशन में किसी भी टाइप से क्या कर सकते हो, डिफीट कर सकते हो, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स पा सकते हो, ठीक है। तो हम अपना एम यही है कि आप लोगों को इस दौर में जो भी चल रहा है इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आप लोग जो है घर बैठ कर ही अच्छा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट कम पा सकें, ठीक है ना। तो नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, द थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस, पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसलिए पॉलीमर्स, पहले समझिए आप लोग पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली पॉलीमर्स इज द मोनोमर्स, पॉलीमर्स आर द मोनोमर, आर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ, कंबाइंड या एडिंग फॉर्म ऑफ, कंबाइंड फॉर्म ऑफ स्मॉल मोनोमर्स। कल हमने आप लोगों से मोनोमर को बताया था, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, या कंबाइंड होकर मोनोमर्स बनाते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है, दे आर नोन एज पॉलीमर्स, ओके। दीज आर सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स, फॉर एग्जांपल आप लोगों का सेलुलोज, लेटेक्स एंड हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना, प्रोटीन, न्यूक्लियर एसिड, दीज आर द पॉलीमर्स। बेसिकली कल हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे आप लोगों की मम्मी होती है, छोटे छोटे मोतियों की माला बनती है, छोटे छोटे मोती में एक चेन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना, उनको हम जो है क्लिप करके माला बना देते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या था, जो मोती थी वो छोटी यूनिट थी, अगर एक भी मोती अधूरा है तो वहाँ पे क्या है, आपकी माला नहीं बन सकती। सिंपल थिंग यहाँ पर है बेटा, जब तक कि स्मॉल छोटी छोटी यूनिट किसकी मोनोमर्स की नहीं कंबाइंड होगी, तब तक हमें पॉलीमर की कल्पना करना ही बेकार है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है आप लोगों का, हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है, प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जांपल एक आपको लेते हैं, सेलुलोज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आपने कॉटन देखा होगा, ठीक है ना, कॉटन किससे मिलके बना हुआ है, कॉटन जो है बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं आप लोगों का सेलुलोज, ठीक है ना। सेलुलोज ये स्मॉल यूनिट होती है, जो कहाँ से आती है आप लोगों की, ये आती है आप लोगों की ग्लूकोज से, ठीक है, ये स्मॉल यूनिट तैयार होती है ग्लूकोज से, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जब तक ग्लूकोज की स्मॉल यूनिट नहीं मिलेगी, ठीक है ना, तब तक आपका सेलुलोज नहीं बनेगा, तब तक आपका, तो हमें ग्लूकोज की स्मॉल यूनिट जब तक कंबाइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक हमारा सेलुलोज नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज पॉलीमर, और ग्लूकोज की स्मॉल यूनिट्स क्या है, यहाँ पर ये है आपकी स्मॉल यूनिट मोनोमर, ठीक है ना। जब तक ये मोनोमर्स नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका पॉलीमर तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट जो है मिलकर जो है क्या बनाती है, सेलुलोज बनाती है, और सेलुलोज पॉलीमर्स ही जो है कॉटन कहलाता है, ठीक है ना, यही कॉटन कहलाता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जो है पॉलीमराइजेशन। तो दिस टाइप ऑफ द फिनोमेना या दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, ओके। ये भी ध्यान करिए, दिस टाइप ऑफ फिनोमेना आर नोन एज पॉलीमराइजेशन, ओके, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीमराइजेशन, आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, आप आगे भी पढ़ेंगे, हायर क्लासेस भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका पॉलीमराइजेशन के बीच में छोटा सा जान लीजिए,
कि पॉलीमराइजेशन दो टाइप का होता है, नंबर वन एडिशन पॉलीमराइजेशन, नंबर टू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। ओके, एडिशन पॉलीमराइजेशन, नंबर टू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्लियर है। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखिए व्हेन टू स्मॉल यूनिट ऑफ मोनोमर, स्मॉल, राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही लेकिन आप लोग नोट करिए, स्मॉल यूनिट ऑफ मोनोमर कंबाइंड और एडिंग दोनों चीज बोल सकते हो, अगर ये कंबाइंड भी कर सकते हैं और या ऐड भी करते हैं, कंबाइंड भी करें या ऐड करें, ठीक है ना, टुगेदर, ठीक है ना, एंड फॉर्म कंपाउंड या पॉलीमर। अगर वो नया कोई पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई नया पॉलीमर बना रहे हैं तो दैट इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके एग्जांपल आप दे सकते हो क्या, पीवीसी, ओके, पीवीसी का नाम सुना होगा, लास्ट क्लास में सुना भी होगा, पॉलीएथिलीन, ओके, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एडिशन पॉलीमर, ठीक है। अब जो है बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर की, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर में भी सेम होता है, क्या होता है, व्हेन टू और मोर यूनिट ऑफ मोनोमर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म a new polymer. यहाँ पे क्या होता है, there are a subtraction of small molecules, ठीक है, small molecules like H2O, CO2 being separated, या separated, एलिमिनेटेड और रिमूव्ड होते हैं, ठीक है ना? क्या होते हैं? रिमूव्ड होते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर ये एलिमिनेटेड होते हैं या रिमूव्ड होते हैं। तो देखेंगे, दिस टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ओके? इसके एग्जाम्पल भी बड़े इजी हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नायलॉन का नाम सुना होगा, नायलॉन बेसिकली क्या होता है, नायलॉन 66 के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, नायलॉन 66 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों का नायलॉन 66 एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम अभी बताएंगे आप लोगों को, पीटी है, ठीक है, एग्जाम्पल नायलॉन 66 जो कि अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, पीटी पॉलीएथिलीन टेफ्लॉन पॉलीस्टर, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल आप लोग नोट डाउन करिए। इनके बारे में मैं जो प्रोसेस मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये कैसे बनते हैं उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ताकि वो आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों की बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग क्या है, जो बच्चे एडवांस कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा और परफॉर्म करना चाहते हैं, वो नोट डाउन उसको करेंगे, ठीक है ना। तो मैं सभी के लिए ध्यान में रखने के चक्कर चल रही है क्लास को, क्लास में सभी टाइप है, हर आदमी कुछ ना कुछ
अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, पर क्या होता है जब मटेरियल ही नहीं होगा आप पढ़ोगे कहाँ से, कहाँ जाओगे, किसके पास हेल्प लोगे। आप लोगों को बेहतर गाइडलाइंस के लिए हम ये क्लास लाए हैं, आप लोग इसको शेयर करिए और बच्चों का जिसका भला हो सके, ठीक है। क्योंकि क्या है आजकल क्या है माहौल ऐसे है कि आप जो है हर बच्चा आगे निकलना चाहता है, लेकिन क्या है इसमें भी क्या है कि हर लोग अपने अपने नॉलेज को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन प्लीज, नाउ कम ऑन द पीवीसी प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पॉलीएडिशन पॉलीमराइजेशन है बेटा, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पीवीसी, ठीक है ना। पीवीसी बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है, देखिए एसिटिलीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है बेसिकली C2H2, ठीक है ना। क्या आप लोग आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। C2H2 को हम इसको आप लोगों को स्ट्रक्चर वे में दिखा रहे हैं, ये मॉलिकुलर वे स्ट्रक्चर वे में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। दो कार्बन है, कार्बन है दो हाइड्रोजन है, ओके। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है होती है, आगे आप लोगों को वैलेंसी चैप्टर में बताएंगे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कितनी होती है 4। तो नाउ वी डिस्ट्रीब्यूटेड वैलेंसी ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 1 इज गिविंग हाइड्रोजन एंड 3 मे बी पार्टिसिपेट विद अदर कार्बन, सो दी आर द ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड, ओके। इट रिएक्ट विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36% HCl से ये रिएक्ट करता है। तो देखिए इस मॉलिक्यूल का क्या होता है, इसमें H जो होता है वो कंबाइन करता है पहले वाले कार्बन से और Cl जो है दूसरे वाले कार्बन से, ओके। तो ये बन जाता है फाइनली CH2CHCl डबल बॉन्ड, दैट इज नोन एज पॉली विनाइल क्लोराइड, यही आपका कहलाता है पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आप लोग स्टैंडर्ड पे ही आप लोगों ने पढ़ा भी होगा काफी, पॉलीथिन घर में यूज करते हो, पॉलीथिन ले आओ, पॉलीथिन ले आओ, पॉलीथिन बंद हो गई है, पॉलीथिन बंद आना, ठीक है, मना कर देना घर में, ठीक है। तो पॉलीथिन हम कैसे बनाते हैं, देखिए पॉलीथिन दो ग्रेड की होती है, एक होती है लो ग्रेड पॉलीथिन और एक होती है हाई ग्रेड पॉलीथिन, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए पॉलीथिन पॉलीएथिलीन कैसे बनता है, जैसे कि आप लोग पता है कि आप लोगों का फार्मूला एथिलीन का ये होता है, एसिटिलीन का ये है और एथिलीन का फार्मूला ये है, ठीक है। मैं यहीं पे ले रहा हूँ इसको, स्पेस हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, एन एथिलीन लिया, ठीक है। इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। इसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो हाई प्रेशर जो है हाई टेम्परेचर जो हम लेते हैं वो अपना 543 केल्विन तक ले लेते हैं, और प्रेशर भी आपका आप इसको हाई प्रेशर पे ले सकते हैं, ठीक है ना, लगभग जो आपका 1-2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 543 और आपका 10-20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ये बनता है आप लोगों का, ये पॉलीएथिलीन बनती है, ठीक है। इस टाइप से चेन ये कंबाइंड होती चली जाती है एन टाइप तक, ठीक है ना, एन टाइप तक ये चेन आगे भी कंबाइंड होती चली जाएगी, ठीक है ना। एन एटम ये तो एन एटम की, ठीक है ना। ये लो ग्रेड लो डेंसिटी पॉलीथीन है, LDPE बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने LDPE, ठीक है। जब इसी में आप क्या करिए टेम्परेचर थोड़ा सा इसमें कम कर, नेक्स्ट जो है आपकी अपन को HDPE बनाना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम रहेंगे, लगभग 6-7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेंगे अपन 333 केल्विन से 343, लगभग इसी के बीच में रेंज में हम टेम्परेचर रखते हैं, वहाँ पर भी यही पॉलीमराइजेशन होता है और आपका जो है यही पॉलीथीन बन जाता है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस यूज आपका कहाँ पे कैसा बनाना है, HDPE बनाना है या HDPE बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे इनिबेटर भी दिए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, वो आपको इसमें आप लोगों का दिया जाता है, गुणी पर अक्सर दिया जाता है, इसमें आप लोगों का जो है एक दूसरा इनिबेटर है वो यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो है आपके HDPE और LDPE बनाए जा सकते हैं, इनके यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। बॉटल बनाते हैं आप लोग, ठीक है ना, पॉलीथीन के आप लोग प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें पाइप बनाए जाते हैं, ठीक है ना, बोतल बनाई जाती हैं और आप लोगों के घरों में भी यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम LDPE और HDPE का जो है इस्तेमाल
हम करते हैं, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट जैसा भी हमारा होता है, एज पर रिक्वायरमेंट हमारा जैसा भी होता है वहाँ पर हम ऐसा ही यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। एनडीपी यूज करके बॉटल टॉयस फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह ये बना सकते हैं, और जनरली आप इसमें बकेट है, डस्टबिन है, ठीक है ना, इसके द्वारा, इससे एचडीपी के द्वारा, जैसे आपके घरों में मम्मी पार्टी यूज करती है, ठीक है ना, डस्टबिन आप लोगों के बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसमें बना सकते हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप आप किससे बनाएंगे, एनडीपी से बनाएंगे, फ्लेक्सिबल पाइप जो घरों में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये सब चीजें आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, नायलॉन 6 से बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हम रिएक्शन करते हैं, आप लोगों की रिएक्शन होती है एडिपिक एसिड और एडिपिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं किससे, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है ना, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एडिपिक एसिड का फार्मूला होता है NCOOH, एसिड है चूंकि CH2 की पावर आपकी 4, ठीक है ना, COOH, ठीक है ना। इसकी जब हम रिएक्शन किससे कराते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जो है वो एमीन है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे मेथिलीन ग्रुप होता है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हायर क्लास में आप लोग जाओगे, ठीक है ना, NH2 और ये NH2, सिंपल इसमें कॉम्बिनेशन ही होता है बेटा, ये एमीन ग्रुप होता है, ये एसिड ग्रुप होता है, ठीक है ना, ओके। इसके भी हम एन एटम लेंगे, ठीक है ना, एन मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, एन मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं ये, तो एक टाइप इसमें भी चेन फॉर्म होती है, ठीक है ना, इसमें भी एक टाइप की चेन फॉर्म होती है, तो वो चेन होती है आपकी, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका NH, और ये H यहाँ चला गया, ठीक है ना, फिर आपका आता है CH2, ठीक है, कितने एटम है ये, 6 एटम है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करिएगा आप लोग, NH, एक H आगे कंबाइन होने चला गया CH2, ठीक है ना, CH2 के बाद आपका NH, फिर ये आया, ठीक है ना, NH, फिर क्या बचा, H कंबाइन होगा इससे, किससे, एसिड से, ठीक है। अब यहाँ से ये जुड़ना चालू होगा, कौन जुड़ना चालू होगा, ये जुड़ना चालू होगा बेटा, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, आप लोग ऑटोमेटिक केमिस्ट्री में बादशाह बना देंगे, चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ सी के साथ, एक H2O निकल गया, देखिए एक H और ये OH, H2O निकल गया, क्या बचा, C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, ठीक है, फिर बाकी आप ऐसे कंबाइन करिए, क्या CH2 की पावर, CH2 की होल और 4, और आपके पास क्या बचा, देखिए आगे सी डबल बॉन्ड OH, ये भी आगे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड O का ग्रुप ले लेगा, और OH आगे कंबाइन होने के लिए फ्री है, आगे वो किसी और के साथ जुड़ेगा, किसी और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चेन यहाँ पे फिनिश कर दीजिए, ये एन लगा दीजिए आप जैसे कोन लगाते हैं, ठीक है, ये बन गया आपका क्या, नायलॉन 6 बन गया, क्या बन गया, नायलॉन 6 या नायलॉन भी शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है ना, समझ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आप लोगों का एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्या हुए, आपस में कंडेंस हुए, ठीक है ना, और आपका क्या निकला, ध्यान दिया आप लोगों ने, नहीं ध्यान दिया, आप लोगों का निकला H2O, कहां से H2O निकला, पता है ना, ये वाला OH और ये वाला H, ठीक है ना, दो बार हुए, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, यहां पर OH किसके साथ जाएगा, जो आगे वाला NH2 आ रहा है, आगे वाला एडिपिक एसिड आ रहा है, सॉरी आगे वाला हेक्सामेथिलीन डाइएमीन आ रहा है, उसके H से ये OH क्या होगा, सेपरेट आउट होगा, समझ रहे, तो दीज में भी रिमूव्ड, दीज में भी रिमूव्ड और एलिमिनेट इन कंडेंसेशन रिएक्शन, ओके, क्लियर है, एग्जांपल के थ्रू और समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, बेहतर। अब इसके एक पॉइंट और ले लीजिए बेटा, अगर आपको दिखने को कहीं डिफरेंशिएट करने को भी आता है तो आप लोग प्लीज इसको भी लिखिएगा, यूजेस, ठीक है ना, यूज का मतलब एप्लीकेशन, कहां पर ये यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, इनको कहां पर हम यूज कर सकते हैं, इसकी बात आती है, ठीक है, इसको भी हम जो है टायर फैब्रिक और रूप बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, टायर्स आप लोग देख रहे होंगे, मजबूत टायर्स, ठीक है ना, रोप है, बड़ी बड़ी रोप होती हैं, जिमनास्ट रोप होती है, आप लोगों के पैरासूट, मतलब आप लोगों की रोप होती है जो आप लोग क्लिम्बिंग वगैरह करते हो, हाइट में जाते हो, ठीक है ना, उस टाइप की आपकी क्या है, रोप्स वगैरह हैं, टायर्स हैं आपके, ठीक है ना, और आप लोगों के फैब्रिक्स हैं, आजकल क्या हो गए, नायलॉन के फैब्रिक्स भी बन रहे हैं, बड़े अच्छे फैब्रिक्स, मजबूत होते हैं, ठीक है ना, नायलॉन के फैब्रिक्स, सॉरी क्या लिखा हूँ, फैब्रिक्स
फैब्रिक्स, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। टायर भी यूज कर सकते हो, इसके यूज आप जान ही गए थे, मैंने आपको बताया दिया था, ठीक है ना। क्या करने में, बॉटल बनाने में, और क्या बताया था, बैग्स वगैरह हैं आप लोगों के, ठीक है ना, और भी टॉयज वगैरह बना सकते हो, ठीक है ना। इसके क्या बना सकते हैं आप लोग, मम्मा वगैरह बताया था, बकेट हैं, ठीक है। ये पेन वगैरह भी बना सकते हो आप जो है, ठीक है ना। कई चीज़ें आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। डस्टबिन, बॉटल पाइप, कई टाइप की चीज़ें हैं, डस्टबिन है, बॉटल है, पाइप्स हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल पाइप्स है, ये आप बना सकते हो, ठीक है ना। प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, अगर चाहें तो एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। Now we are discuss about that type of synthetic fiber. हम फिर से synthetic fiber आ रहे हैं, आप लोगों कल के लेक्चर में synthetic fiber बताया था, आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं type of synthetic fiber, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें आप लोगों को, हमने बताया भी था आप लोगों को, इसमें बहुत ही अच्छा है synthetic fiber, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं रेयॉन्स की बात कर रहे हैं, रेयॉन, ठीक है ना। रेयॉन में बेसिकली क्या होता है, रेयॉन एक ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है, क्या है बेसिकली, रेयॉन इज सेमी सिंथेटिक, ना तो पूरा ना अधूरा, आधा आदमी, ठीक है, आधा अधूरा इंसान, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। ओके आई एम राइट नाउ, सेमी सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। ओके ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, इट इज द बेसिकली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सेलुलोज, जब आप करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट बल्ब, या प्लांट की वाल होती है, जो प्लांट सेल की वाल होती है, प्लांटों की सेलवाल होती है ना, ठीक है ना, उससे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, सेलुलोज से भी प्राप्त कर सकते हैं, सेलुलोज कह सकते हो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, सेलुलोज, ठीक है ना, वुड पल्प, तो इससे भी आप इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। बात एक ही है आपकी, ठीक है, बात एक ही है आपकी, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट सेल वाल, ठीक है ना, प्लांट सेल वाल, ठीक है ना, या आपकी ये प्लांट के पल्प हो गए आपके, ठीक है ना, जिसको वुड पल्प या सेलुलोज भी बोल सकते हो आप, वुड पल्प या सेलुलोज भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, इससे भी आपकी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। ये सेमी सिंथेटिक क्या है, फाइबर है आपका, ठीक है, ये आप लोगों को रेयॉन्स के बारे में बता दें। अब आते हैं रेयॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर में आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ रेयॉन। नंबर एक, ये क्या होते हैं, गुड स्वेट एब्जॉर्बर होते हैं। जनरली नायलॉन वगैरह इतने नहीं होते हैं जितने ये अच्छे होते हैं, क्या होते हैं ये, इनको हम लोग ड्राइंग टाइम में गर्मियों के समय भी पहन सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेमी सिंथेटिक है, तो सेमी सिंथेटिक में क्या है, ये पसीने को भी हल्का फुल्का सोख लेते हैं, ठीक है ना, और हल्का फुल्का पसीने को सोखने के साथ ये क्या करते हैं, ये जो है बेसिकली आपके मॉइस्चर को भी ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना, स्वेट एब्जॉर्बर भी होते हैं, और मॉइस्चर आपका, अगर मॉइस्चर आ रहा है हल्का फुल्का, तो मॉइस्चर को भी क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ गुड फॉर, प्रीफर हम कर सकते हैं इसको समर में भी, इट इज प्रीफर फॉर समर, ठीक है ना, समर के लिए भी हम लोग पहनने में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट कलर के बनाए जा सकते हैं, इनकेस जो फैब्रिक्स होते हैं रेयॉन फैब्रिक्स आर यूज फॉर डिफरेंट कलर फैब्रिक ड्रेस लुक डाइड इन डिफरेंट कलर, ठीक है ना, डिफरेंट कलर ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है ना,
रेस कलर अलग अलग कलर के डिफरेंट कलर के फैब्रिक्स भी बना सकते हैं क्या करके डाई करके, ठीक है। जैसे डाई करते हो ना आप लोग कलर को, आप लोग सफेद को काला कर देते हो, काले को क्या करते हो सफेद कर देते हो, ठीक है ना, रंगीन कर देते हो किसी भी चीज को। तो रेस फैब्रिक्स को भी आप जो है अलग अलग कलर का बना सकते हो क्या करके डाई करके, ठीक है ना। डाई कर दो आराम से, अलग अलग कलर के पहनो, ठीक है, कभी लाल पहनो कभी पीला पहनो, ठीक है, कोई दिक्कत। थर्ड पॉइंट है आपका कि इट इज द यूज फॉर ल्यूस्टर एंड शाइनी एंड ल्यूस्ट्रस, ठीक है ना, इट इज शाइनी, ठीक है ना, इट इज शाइनी एंड ल्यूस्ट्रस, ठीक है ना, लाइक सिल्क, जैसे सिल्क के कपड़े होते हैं ना, क्या सिल्क के मटेरियल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, अच्छे से चमकते हैं, अच्छे से जो है चमक देते हैं, बनावट में भी अच्छे लगते हैं, तो उस तरह से ये भी हमें लगते हैं, ठीक है ना। आप लोग जब भी पहनते हो तो हमेशा लगता है कि हमेशा आपने नए कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। तो ये जनरली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, इनके बारे में आप जो है ध्यान रखिए, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं इसको रेंज के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ द रेयॉन, ठीक है ना, आपका टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, लास्ट चाहिए आपका यूजेस। रेंस प्लस कॉटन अगर आप बना दीजिए, आप लोगों ने घरों में बेड शीट यूज करते हैं, बेड शीट जो है एकदम कॉटन की अगर बना देंगे तो जल्द फट जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें रेंस में क्या रेयॉन में क्या मिलाते हैं, हम लोग कॉटन मिलाते हैं। तो कॉटन का यूज करके इन दोनों का जो है यूज करके मिक्स करके कुछ इसके परसेंटेज मिलाकर हम इसको क्या करते हैं, बेड शीट, आपके पिलो कवर और आपके जो है डिफरेंट कर्टन वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगर रेंस में वूल वगैरह मिलाने हैं थोड़ा सा, तो ये कारपेट वगैरह बनाने के काम में भी आते हैं आप लोगों के जनरली आजकल, तो खैर कारपेट अलग टाइप के मटेरियल कुछ वूल टाइप के भी मिला के आते हैं, तो वो बोलते हैं रेन प्लस वूल, इसमें मिला होता है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें शर्ट टाई वगैरह जो शर्ट्स पहनते हैं टाइज हैं, ठीक है ना, और इसकी लाइनिंग्स वगैरह यूज की जाती है, तो वो सब रेयॉन मिला के बनाई जाती है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में जाते हैं आप लोग, हॉस्पिटल्स में आप लोगों के जैसे बैंडेज हैं, सर्जिकल बैंडेज हैं, ठीक है ना, और भी आप लोगों के जैसे आइटम्स हैं हॉस्पिटल में, तो वो सब भी आप लोग क्या करते हैं रेयॉन के ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से जो है आप लोगों ने देखा होगा, जो टायर देखिए कभी ध्यान से देखिए आप लोग, घिसा हुआ टायर देखिए, टायर के अंदर एक एक क्या पड़ी रहती हैं, धागे जैसी धागे पड़े रहते हैं, वो धागे ऐसे नहीं होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है ना, वो धागे होते हैं मजबूत, वो बनाए जाते हैं पल्प को गला के, उसमें हम कास्टिक सोडा जो है ट्रीट करते हैं, उसको गलाते हैं पल्प को, फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं ट्रीटमेंट करके रेयॉन ग्रेड का। तो वो रेयॉन ग्रेड का जो होता है वो टायर वगैरह में, आप लोगों के एरोप्लेन के टायर हैं, आप लोगों की जीपों के टायर हैं, आप लोगों की जो भी आप लोगों के बॉर्डर पे जो आप लोगों के चलती हैं गाड़ियां वगैरह, जहां पे भी सी देखिए आप लोग डेजर्ट वगैरह में चलती, कहीं भी जो मजबूत टायर बनाए जाते हैं उसमें मजबूत ही कॉर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और वो सब किससे बना होता है, रेयॉन से बना होता है। तो रेयॉन इज द बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये कह सकते हैं हम कि जो है ये रेयॉन जो होता है ये बहुत ही यूजफुल है आजकल की हमारी परिस्थितियों का, आजकल हमारे हर जगह पर ये यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको नोट करिए। सेकंड सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं नायलॉन, ठीक है ना बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। नायलॉन इट इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर, नायलॉन इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर, जो आदमी द्वारा बनाया गया पहला फाइबर था, ठीक है ना, फाइबर। और ये आप लोगों ने सबसे पहले बनाया गया 1931 में, ठीक है ना, ये भी जान लीजिए आप लोग, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट मैनमेड फाइबर था जो कि आपका बनाया गया, ठीक है ना, 1930, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुली सिंथेटिक फाइबर, फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, सिर्फ फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना, ये फुली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, जिसको आदमी ने हम लोग ने मिलकर बनाया था। और सबसे मजे की बात देखिए, इसको बनाने में लास्ट जैसे रेयॉन को बनाने में मतलब क्या यूज किया था, वुड पल्प सेलुलोज का इस्तेमाल किया था। इसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें प्रकृति से कुछ भी नहीं चाहिए, हमने नेचर से कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, वी हैव नो नीड, ठीक है ना। नायलॉन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर, लाइक पेट्रोकेमिकल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, गुड, फ्रॉम
पेट्रोकेमिकल आइटम, पेट्रोकेमिकल जैसे होते हैं आप लोगों के कोल है, ठीक है ना, पेट्रोल है, ठीक है ना, आप लोगों का वाटर ले सकते हो, ये सब एयर है, ये सब आप लोगों के लाइक पेट्रोकेमिकल एलिमेंट बोल सकते हो, पेट्रोकेमिकल्स है। देयर इज नो नीड ऑफ प्लांट और एनिमल्स, ठीक है ना, देयर आर नो नीड ऑफ non-toxic animals, cells या कुछ ऐसा ऑर्गन्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना, इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो नायलॉन जो है बनाने में क्या पड़ी हमें, पेट्रोकेमिकल्स एटम की जरूरत पड़ी, इनके मॉलिक्यूल्स हमारे यूज किए जाते हैं नायलॉन बनाने में, इनमें हमारा प्रकृति से प्लांट या एनिमल का कोई सहयोग नहीं रहा। तो ये आपके जो नायलॉन जो है बेसिकली जो है क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। तो नायलॉन की बेसिकली जो है अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर वन है हाई स्ट्रेंथ एंड हाई इलास्टिसिटी, ठीक है ना, इसको आप कल हम लोग इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ की टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की थी हमने आप लोगों के सिंथेटिक फाइबर में, तो वही फाइबर में यही प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि आपका हाई इलास्टिसिटी, आप किसी भी चीज को कितना खींचे वापस जो है वो वापस उसी अवस्था में आ जाए, ठीक है ना। तो ये हाई इलास्टिसिटी है, हाई स्ट्रेंथ का मतलब वो कुछ फटे ही नहीं, लंबे टाइम तक आप यूज कर सकें, ठीक है, अब ये नहीं है कि आप लगा दीजिए, वो बात अलग है आपकी, ठीक है। ल्यूस्टर्स होते हैं सेमी ल्यूस्टर और डल एंड इजी टू वॉश, ठीक है ना, क्या मतलब हुआ कि ये ओके ल्यूस्टर्स सम ल्यूस्टर्स एंड डल एंड इजी टू वॉश, कहने का मतलब ये साइनिंग करते हैं आप लोगों के, कभी कभी कम भी साइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नायलॉन नहीं है, डल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बनाए बनाने के ऊपर है, मैन्युफैक्चरर आपका कैसा बनाने के आपको देता है और आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और हम इसको इजी टू वॉश करने में बहुत आसान होता है, हल्का सा आप जो है सर्फ लगाइए, साबुन लगाइए, खट से आप इसको दोबारा रेडी टू यूज, फिर पहनने के लिए आपके लिए क्या होगा, तैयार होगा आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, ये आपका बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी तो देखिए सिंथेटिक फाइबर में आप लोगों को पता है क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, कम होती है। इसको आप लोग क्या करते हैं, यूज किया, यूज करने के बाद आप लोगों ने वॉश किया, वट से फिर से दोबारा ड्राई किया और फिर आप लोग यूज करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये लिटिल एब्जॉर्बन कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, लिटिल एब्जॉर्बन कैपेसिटी होती है। और थर्ड ये है आप लोगों का इसमें, लेकिन ये चीज़ होती है रिंकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रिंकल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है इसमें जल्दी से कोई सिकन नहीं आती, सल नहीं पड़ती है और इसको हम लोग जो है क्रीज वही बना सकते हैं, क्रीज भी मेंटेन कर सकते हैं इन कपड़ों में, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद ये लाइट मॉथ एंड मोल्ड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, मॉथ और मोल्ड रेजिस्टेंस की बात हम करते हैं, ठीक है ना। तो नाउ द फिफ्थ इज यूज प्रॉपर्टी ऑफ मॉथ एंड मोल्ड रेजिस्टेंस, मीन्स इनको आप कहीं पे भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, मतलब ओपन एनवायरनमेंट में, ड्राई एनवायरनमेंट में कैसा भी रखो, इन पर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना, ये पूरी तरह से क्या होते हैं, किसी भी एटमॉस्फेयर में रखने के लिए फ्री होते हैं, इन पर कोई कीड़े मकोड़ों का, किसी भी चीज़ की गंदगी का कोई असर नहीं पड़ता है, आप इसको डिफरेंट ड्राई वॉश कर सकते हो, जल्दी से इनको वॉश कर सकते हो, सुखा सकते हो, कोई असर नहीं। इट इज़ द लाइट फाइन एंड ड्यूरेबल, ठीक है ना, ये हल्के होते हैं, फाइन होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक आप इन पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, समझ लो ना, कैसे भी यूज करो, रफ यूज करो, कैसे भी करो, खेलो कूदो, भागो दौड़ो, कुछ भी करो, सब चलता है, ठीक है ना, सब में यूज होता है। और इट मेल्ट इंस्टेड ऑफ बर्निंग, ठीक है ना, ये क्या हो सकते हैं, ये मेल्ट हो सकते हैं, खत्म नहीं होंगे, ये मेल्ट होंगे, हाँ बर्निंग पे बर्निंग करोगे तो ये क्या होंगे, केवल मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से ये खत्म नहीं हो सकते, ठीक है ना। वी हैव इंटरेस्टिंग सम, एक आपसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, आप लोग घरों में टूथब्रश इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, टूथब्रश इस्तेमाल करते हो ना, टूथब्रश किसके बना होता है, कोई आपसे पूछे टूथब्रश किसका बना होता है, तो टूथब्रश इंटरेस्टिंग है कि ये नायलॉन का ही बना होता है, ठीक है ना, और ये नायलॉन वर्ड आया कहाँ से इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल टॉपिक से हटकर आए थोड़ा सा, न्यूयॉर्क और लंदन, ठीक है ना, यार इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखिए, जैसे आप लोगों का वर्ड होता है न्यूयॉर्क, ठीक है, और लंदन, न्यूयॉर्क में आप लोगों ने ये सबसे पहले हम ही लोगों ने इसको बनाया था, तो एन ले लीजिए, वाई ले लीजिए और एल ओ ले लीजिए, तो इससे मिलकर ये जो वर्ड बना है वो बना है नायलॉन, ठीक है ना, एन वाई एल ओ एन नायलॉन,
ये नायलॉन सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो हमारी जो है कहाँ पर हुई, ये हमारी न्यूयॉर्क और लंदन में ही इसका नाम पड़ा, इनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नायलॉन होता है वो बेटा एज लाइक स्टील वायर की तरह काम करता है, बिहेव करता है, बिहेव लाइक ए स्टील वायर, ठीक है ना, बिहेव लाइक ओके स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, ठीक है ना। स्टील वायर की तरह आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो और उससे भी ज्यादा इसके आपके रिजल्ट मिलेंगे, स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, मतलब समझ रहे ना इस तरह से ये व्यवहार कर सकता है। आप लोग पैरासूट वगैरह होती है जहाँ से आप लोग डाइव करते हो, जो भाई एरोप्लेन में मरने लगता है आदमी क्या करता है, डाइव करता है, बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो जो वायर खुलता है जो पैरासूट बोलते हो वो किसके बने हुए हैं, नायलॉन के बने हुए हैं। उतना काम तो आपका वो वायर भी नहीं कर सकता, वायर भी कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, ट्विस्टिंग आ जाएगी तो वहाँ से वो कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन ये तो क्या है, चाहे ऐसे रख दो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि उससे भी ज़्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। और आदमी आराम से क्या करता है, पैरासूट डाइविंग करता है, आराम से पोजिशन पर आ जाता है अपनी, ठीक है ना, अपनी जान बचा लेता है। ये आपका जो था ये नायलॉन था, नायलॉन के कुछ यूजेस अभी हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपका खाता खोला, हमने कुछ बातें बताई, ठीक है ना, ये आप लोग जानिए समझिए, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ नायलॉन, नायलॉन के यूज प्रॉपर्टी के बाद हम लोग बात करेंगे, इसको आप चाहे तो नोट ना करें, लेकिन हम लोग अब यूज करेंगे किसकी, यूजेस ऑफ नायलॉन की बात करेंगे। ओके नाउ वी लेट टॉक अबाउट यूजेस ऑफ नायलॉन। Nylon is used from the family household items purpose like socks, sarees and shirts. These are used for the manufacturing of the our necessary items, clothing items, sarees, socks or shirts, pants, like many types of wearing items. Second use है nylon plus wool जो है आपका क्या बनाता है, carpet, ठीक है। जैसे हमने आप लोगों को last का बताया था कि रेन और wool भी बना के आप carpet बना सकते हैं, कार्पेट बना सकते हैं, और भी मैटिंग पर्पज पे आप लोग डोरमेट वगैरह भी देखिए आप लोग बनाए जाते हैं। डोरमेट पहले तो जूट के चलते थे, अभी आजकल जो है थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े सिंथेटिक होते हैं, सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वेलकम लिखा होता है या उस टाइप का लिखा होता है, हैं कि पधारो मारो देश, ठीक है, उस टाइप के जो है टेंट है, अम्ब्रेला है, ठीक है, पैरासूट है और क्लिम्बिंग रॉक है। आप लोग जाते हो खेलते हो कहाँ पे, हाँ आप लोग जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो है गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है ना, पूल बने हुए हैं, आप लोग को दीवार पे चढ़ने को दिया जाता है, नेट लगा दी जाती है, आप लोग चढ़ते हो फिर उस पर गिरते हो, मजा आता है आप लोगों को, ठीक है ना। क्लिम्बिंग रोप्स हैं, टायर कोर्ड्स भी इसके बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, नायलॉन के भी। फिशिंग नेट, ठीक है, फिशिंग करने जाते हैं नेट डालते हैं, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जो बनाई जाती है क्या, बास्केट स्ट्रिंग बनाई जाती है, जैसे आप लोगों के बैडमिंटन खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, जहाँ पे आप लोगों की नेट बनानी है तो वो सब नेट नायलॉन की ही बनती है, ठीक है ना। इसके लिए बहुत यूज है बेटा, हर जगह बहुत यूज है इनका, रेंस नायलॉन सिंथेटिक फाइबर, मतलब हमारे लिए क्या बन गई, आज की जिंदगी बन गई है, समझ लीजिए आज की जिंदगी की हर चीज़ में कहीं ना कहीं फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का टूथब्रशेस, जैसा मैंने अभी लास्ट आपको बताया था, कार सीट है, बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स हैं, ठीक है ना, कर्टन वगैरह हैं, यहाँ पर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग और लाइट मस्त वेट मटेरियल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे कुछ मशीन्स होती हैं जो आप लोग यूज करते हो, मशीन्स लाइट मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, ठीक है ना लाइट हैवी जो भी है आपकी मशीन्स, वहाँ पर भी आप लोग क्या करते हो, ठीक है ना, लाइट या हैवी आप जैसी भी होती है वहाँ पर आप लोग जो है इस टाइप के मटेरियल का यूज करते हो, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है कि ये बहुत आसानी से सूख जाता है, इसलिए जो जनरली आप लोग देखा होगा ट्रैक सूट हैं या मिलिट्री के जो आइटम्स हैं, मिलिट्री वाले कपड़े पहनते हैं उनके भी जो कपड़े वाले हैं, ये सब जो है इसी तरह लोइन ब्रेड के ही बनाए जाते हैं। स्विमिंग वगैरह के जो सूट्स हैं, ठीक है ना, जो लोअर बनती हैं आप लोगों की, ठीक है, जहाँ भी गेम खेलने जा रहे हैं आप लोग कहीं भी लोअर और टी शर्ट को यूज करते ही हो, वो सब आपकी क्या है, सब नायलॉन ब्रेड की बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से नायलॉन का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही यूज है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको भी नोट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम और से और आपको कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे, हर टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कहीं पे भी ये नहीं लगे कि हमें इसमें कुछ अधूरा ज्ञान मिला है, ठीक है ना।
तो लेट अस पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।